सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय किशोर और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जे एस आर जय किशोर पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास भी एक पीसी या फिर आपके पास भी एक लैपटॉप है, यदि आपके भी इस हार्ड डिस्क वाली प्रॉब्लम या रैम वाली प्रॉब्लम वाली समस्या से जूझ रहे हैं तो, या फिर आपका पीसी जो है अचानक चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, या फिर बंद होने के बाद वो ओपन ही नहीं होने लगता है, स्क्रीन जो है पूरी ब्लैक दिखने लगती है, स्क्रीन पूरा काला रंग का दिखा देने लगता है। इस प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो पे सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस, ताकि उन्हें ऐसे ही कंप्यूटर से जुड़ी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिलेटेड वीडियो आपकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल से जब आप अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करते हैं पावर बटन पे क्लिक करके, तो आपको कुछ डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं देता होगा, डिस्प्ले पूरा ब्लैक दिखा देता होगा, एक वहाँ पे किसी प्रकार का डिस्प्ले शो नहीं करता है। और आप साइड पे देखिएगा तो आपका पीसी ऑन रहता है, सीपीयू यानी ऑन रहता है, बट जो डिस्प्ले पे लाइट है वो लाइट नहीं आता है। अब साथ साथ चार्जर चार्जर का जो एडेप्टर लगाइएगा वो भी आपका वर्क कर रहा है, यानी कि आपका जो पीसी है, देखिए अब यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए चार्जर वर्क कर रहा है, यानी मेरा पीसी जो है प्रॉपर तरीके से सही चल रहा है, बट जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, इसका मतलब है आपका पीसी या लैपटॉप पे कहीं ना कहीं हार्डवेयर प्रॉब्लम है या फिर आपके रैम की समस्या है। आपका रैम या तो अपनी जगह से घिसक चुका है, हिल चुका है, यानी कि या फिर आपका हार्ड डिस्क है जहाँ पे इसकी जो पिन लगती है क्लिप, वहाँ से आप थोड़ा साइड हो सकता है, या फिर आपके जहाँ पे क्लिप लगती है उस जगह पे कुछ डस्ट वगैरह आ चुकी है, जिससे वो प्रॉपर तरीका से करंट को फॉलो नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से वो पीसी है जो आपका पीसी ऑन रहते हुए भी आपका पीसी का जो डिस्प्ले है वो शो नहीं कर रहा है। आगे आपको इसके लिए आपको अपने पीसी को खोलना पड़ेगा और अपने रैम वगैरह सबको निकालना पड़ेगा। तो चलिए आगे प्रोसेस पे देखते हैं। तो मैंने अभी जो यहाँ पे राइटर है इसको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद कैबिनेट को खोलते हैं। सो दोस्तों, सिस्टम खोलने के बाद आपको अपने सिस्टम के रैम को, ये वाला रैम जो देख रहे हैं इसको निकाल लेना है, और ये जो हार्ड डिस्क है इसको भी निकाल लेना है। सो दोस्तों, हार्ड डिस्क को भी यहाँ पे बाहर निकालना है। इसके बाद आपको ब्रश या फिर सूती के कपड़े या फिर उसमें कुछ किरोसन तेल लगा के इसको जहाँ पे इसका पिन है क्लिप लगता है उसको ब्रश के सहारे रगड़ना है और साफ करना है। सेम उसी प्रकार इसके जहाँ पे हार्ड डिस्क का जहाँ पे क्लिप लगता है उस जगह पे भी रगड़ लेना है। उसके बाद आपको रैम को भी ब्रश के सहारे रगड़ लेना है, या फिर आप सूती कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद रैम का जो सेम वही प्रोसेस करना है, जहाँ पे रैम लगता है उस जगह पे भी ब्रश के सहारे रगड़ देना है। उसके बाद आपको रैम को थोड़ा बहुत आपको एक सूती कपड़े से रगड़ लेना है, अच्छे से रगड़ लेना है, ताकि जितने भी यहाँ पे जो जंक फाइल कचड़ा वगैरह सब है धूल कण वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। और इसको आपको रगड़ने के बाद आपको अच्छे से फिट
रैम के जगह पे रैम को फिट कर देना है, और हार्ड डिस्क को भी सेम उसी प्रकार वहाँ पे फिट कर देना है, और सेम उसी प्रकार हार्ड डिस्क को भी सेम जगह जहाँ पे हार्ड डिस्क लगता है वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क को लगा देना है। उसके बाद आपको चेक करना है पीसी को ऑन करके। चलिए अब पावर बटन को दबा के चेक करते हैं कि अब पीसी ऑन हो रहा है या नहीं। पावर बटन को अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो आप अभी यहाँ पे देखिए कि हमारा थोड़े से वक्त के बाद यहाँ डिस्प्ले पे आपको लाइट दिखाई देगा। देखिए पहले ये कुछ नहीं दिखाई देता था, अब यहाँ पर हमारा डिस्प्ले पे लाइट आ चुका है। इसका मतलब हमारा पीसी है जो वर्क कर रहा है। दोस्तों अब हम इसके कैबिनेट को पीछे सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पीसी को पूरा ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली जो है पीसी को अभी हम सेट कर रहे हैं, पूरी तरह सेट हो चुका है। और अब यहाँ पे आप इसको ऑन करते हैं। देखिए सो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे हमारा जो पीसी है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही।